जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है HSSC के लिए रीजनिंग की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, जो पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन है। क्लास वन में हमने कल पढ़ा था वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, आज हम करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। दिशा और दूरी करने से पहले आपको ये डायग्राम याद करना है। ये दिशाएं होती है, उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, और जो इसके बीच की दिशाएं होती है ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, और ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इस तरीके से ये डायरेक्शन होती है। कुछ ज्यादा बड़ा फंडा नहीं है इसमें। ये चैप्टर का जो क्वेश्चन पूछा गया था ये MPSW में पूछा गया था, फीमेल वाले में। इसको करते हैं। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने क्या करना है, एक डायग्राम ऐसे ड्रा कर लेना है, ये वाला बस। अब जैसा क्वेश्चन में कहता है इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। उत्तर की तरफ 9 मीटर जाती है, तो उत्तर क्या है, ये रहा नॉर्थ, ये 9 मीटर चली जाती है, ये चली गई 9 मीटर। पश्चिम की तरफ 12, पश्चिम कौन सा है, ये इस तरफ आती है, वो कितना 12 मीटर। तो बताना क्या है, जहां से उसने चलना शुरू किया था, चलना हमेशा कहां से शुरू करेंगे, सेंटर वाला केंद्र बिंदु से चलना शुरू करेंगे। यहां से यहां तक की दूरी बतानी है। अब ये पाइथागोरस प्रमेय बन जाएगी, इसको मान लेते हैं एक्स। तो एक्स कैसे निकालते हैं हम, देखो ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएंगे। तो 12 का स्क्वेयर यानी 144 और 9 का स्क्वेयर 81 किसके बराबर होगा, एक्स के स्क्वेयर के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय होती है, ये हो जाएगा 225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो इसको कर देंगे रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 15। और यही हमने बताना था, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15, यानी कि 15 मीटर। यानी कि जहां से उसने चलना शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया था, और उस बिंदु पर जहां पर वो रुकी हुई है, यहां पर इसकी डिस्टेंस बतानी थी, और इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन फील्ड इंस्पेक्टर में पूछा गया था। विकास सीधे पूर्व दिशा की ओर चलना आरंभ करता है, ऐसे डायग्राम ये बना लेना है, ऐसे ये बना लिया। किस दिशा में गया है वो, पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, ये है आपका ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। जिस दिशा में कहेंगे उसी दिशा में चलेंगे। 75 मीटर जो है चलने के बाद, यानी कि पूर्व दिशा में चलता है, पूर्व कौन सी है, ये वाली। तो पूर्व दिशा में यहां से यहां तक जाता है वो 75 मीटर। इसके बाद बाई ओर मुड़ जाता है, तो बाई ओर मुड़ने के बाद चलता है 25, ये मोड़ दिया बाई ओर, तो ये 25 मीटर और चल पड़ा। इसके बाद फिर वह बाई ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर तक चलता है, यहां से यहां तक वो चलता है 40 मीटर, क्योंकि ये पूरी कितनी है, 30 है यहां पर। तो यहां से फिर टर्न कर जाता है वो बाई ओर, कितना, 25 मीटर। अब बताना क्या है कि आरंभिक बिंदु यहां से चला था वो, अब कहां पर है, यहां पर है। टोटल डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक 75 मीटर, और यहां तक इसकी 40 है, 40 मीटर चला है, तो ये बाकी कितनी है, 75 में से 40 माइनस कर लेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये आ जाएगी कितनी, 35 मीटर। ये 35 है, तो ये भी क्या हो जाएगी, 35 मीटर। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो यहां से यहां तक की दूरी है अगर बात करें तो कितनी है, 75 मीटर। आरंभ बिंदु से उसकी दूरी है 35 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2018 ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री एक्स पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलते हैं। यहां पर डायग्राम सबसे पहले ये बना लेंगे, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, और ये है वेस्ट। 1 किलोमीटर चलते हैं पूर्व की ओर, तो ये है पूर्व, यहां पर 1 किलोमीटर ये चल चुके। इसके बाद दाएं मुड़कर 3 चलते हैं। देखो, ईस्ट दिशा की ओर है, तो दाएं मुड़ेगा तो किस तरफ मुड़ेगा, ये इस तरफ मुड़ेगा, यानी कि साउथ की तरफ। तो साउथ की तरफ क्या है, 3 किलोमीटर चल जाता है ये। उसके बाद पुनः वो क्या करता है, बाई ओर मुड़ जाता है। अब देखो, 3 मीटर या 3 किलोमीटर साउथ की तरफ चलेगा, मानकर चलो, आपने इमेजिन करनी है, कल्पना करनी है कि आप दक्षिण की तरफ हो। ठीक है, दक्षिण की तरफ आपने बाएं मुड़ना है, तो आप उत्तर की तरफ मुड़ोगे। तो इसी प्रकार यहां पर बाएं जब मुड़ने की बात कह रखी है, तो यहां पर उत्तर की तरफ, यहां पूर्व की तरफ मोड़ देंगे इसको, कितना, 4 किलोमीटर। पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलते हैं, यानी कि 4 किलोमीटर पूर्व की तरफ। ठीक है, अंततः वे 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलते हैं। अब सीधा दे दें यहां पर, उत्तर कौन सी तरफ है, ये रहा। तो यहां से लेकर सीधा कितना, 15 किलोमीटर चला जाता है।
तो देखो जब ये डिस्टेंस 3 है यहां से यहां तक, तो ये डिस्टेंस भी तो कितनी हो जाएगी 3। तो ये जो डिस्टेंस बचेगी ये वाली, यानी कि यहां से यहां, ये कितनी बचेगी आपकी 12। पूछ क्या रखा है, आरंभिक बिंदु से, आरंभिक बिंदु ये है तो ये डिस्टेंस बतानी है उसकी, ये वाली। तो एक ये है 1 किलोमीटर, और यहां से यहां तक कितना है 4 किलोमीटर नीचे है। जब ये डिस्टेंस 4 है तो ये भी 4 और ये 1 है, तो कितनी हो जाएगी टोटल, ये टोटल हो जाएगी, मैं रेड रेड मार्कर से यहां पर लिख देता हूं आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहां से यहां टोटल ए, इसको ऐसे कर देता हूं, देखो ये वाली ये कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर हो जाएगी, जबकि ये कितनी है 12। तो बतानी कौन सी है, ये पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, 12 का स्क्वेयर कितना 144, और इस 5 का स्क्वेयर कितना 25, किसके स्क्वेयर के बराबर होगा, इसके स्क्वेयर के, इसको मान लेते हैं एक्स का स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर, दोनों तरफ क्या कर देंगे ये करके इसको काट देंगे, तो ये हो जाएगा 13। तो एक्स की जो डिस्टेंस कितनी आई है वैल्यू, वो आई है 13। तो जो ये वैल्यू है आरंभिक बिंदु से, ये 13 किलोमीटर दूर है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है वो 13 किलोमीटर दूर है। इस तरीके से सोल्व करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा कांस्टेबल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं 10 मीटर पूर्व में गया, ये क्वेश्चन है। सबसे पहला काम डायग्राम बनाने का ये कर दिया, ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। 10 मीटर पूर्व में गया तो ये चला गया 10 मीटर, फिर उत्तर में मुड़ा और 15 मीटर चला, तो ये है उत्तर, तो ये मुड़कर यहां पर 15 मीटर चला। इसके बाद फिर पश्चिम में मुड़ा, पश्चिम ये है, 12 मीटर चला, तो 12 मीटर यहां से मुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, देखो 10 मीटर तो ये है, और इसके बाद थोड़ा सा आगे चला लेते हैं, ये टोटल कितना हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा यहां से यहां तक। और फिर दक्षिण में मुड़ा और 15 चला, तो दक्षिण है इस तरफ, और कितना मुड़ा, दक्षिण में मुड़कर 15 मीटर चलता है, ये चल गया 15, यहां आ गया 15, क्योंकि ये 15 है तो ये भी कितनी 15। तो बताना है कि घर से कितनी दूरी पर हूं मैं, मेरा घर है ये, यहां से चला था मैं, अब मैं हूं यहां पर, तो ये डिस्टेंस बतानी है कि ये कितनी है। ये कैसे निकालेंगे हम, देखो ये टोटल कितनी है 12, और ये कितनी है 10, तो जो ये डिस्टेंस बच गई ये कितनी बच जाएगी, 2 मीटर की बच जाएगी। अगर ये 2 मीटर है तो ये भी कितनी है 2 मीटर। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूं, 2 मीटर की दूरी पर हूं, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपका हरियाणा कांस्टेबल में पूछा गया था। मैं केंद्रीय बिंदु से दक्षिण की ओर 35 किलोमीटर चला, तो सबसे पहला काम आपने डायग्राम बनाने का है, ये बना दिया। केंद्रीय बिंदु है ये वाला, जब भी चलेगा इस इन क्वेश्चनों में, डायरेक्शन वाले क्वेश्चनों में, दिशा में यहां से चलेगा, तो केंद्रीय बिंदु से दक्षिण की ओर 35, तो ये चला दिया 35। अब क्या कह रहा है कि बाएं मुड़कर, अब देखो बाएं कैसे मुड़ेगा, इमेजिन करो कि आप दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े हो, तो आपकी बाई तरफ कौन सी दिशा होगी, तो बाई तरफ आपकी हो जाएगी पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा कौन सी है, ये है ईस्ट की तरफ। इतना चला है 17 किलोमीटर चलता है, तो ये चला दिया 17। अब क्या करता है वो, बाएं फिर मुड़ता है। अब क्या है वो, देखो पूर्व दिशा में है और बाएं मुड़ेगा तो किस दिशा में, उत्तर की तरफ मुड़ेगा, तो ये है आपका उत्तर। इस दिशा में कितनी और मुड़ जाता है 35, तो ये चला दिया 35। आरंभिक बिंदु से, आरंभिक बिंदु से वो कितनी दूर है ये डिस्टेंस बतानी है, ये वाली। ये जब 35 है और ये 35 है, तो ये 17 है, तो ये भी क्या हो जाएगी 17 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि आयताकार बन जाएगा आपका ये जो शेप है, 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर, ये 17 की बना, तो ये भी कौन सी कितनी हो जाएगी 17 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आज की जो है हमारी क्लास यही खत्म होती है, तो अगली क्लास में भी ये बहुत सारे इसके क्वेश्चन बनते हैं, अब हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।